हेलो फ्रेंड्स, दिस इज क्लैरिसा फ्रॉम क्लैरिसास क्रिएशन और आज मैं आपके साथ शेयर करने आई हूँ झटपट से बनने वाली रेसिपी। ये आप देख सकते हो, सूखे बोंबिल कड़क होते हैं बहुत। इसको अच्छे से धोया जाता है। यूजुअली क्या करते हैं कि धोने से पहले उसे या तो आप साफ कर लो या तो फिर इसे भिगो के रखो 10 मिनट या फिर 5 मिनट्स और फिर बाद में इसको साफ करो। बट मैं इसे अच्छे से पहले साफ कर लेती हूँ, इसके पेट वेट अच्छे से निकाल लेती हूँ, आजू बाजू के जो उसके फर होते हैं वो भी इसके अच्छे से निकाल कर और फिर इसे पानी में 10 मिनट के लिए सोक करके रख देती हूँ। अब यहाँ पर हमने बनाया है, ये हमारा ईस्ट इंडियन ग्रीन मसाला है। तो आज मैं ईस्ट इंडियन ग्रीन मसाले के साथ आपको ये रेसिपी बता रही हूँ। ये बोंबिल फ्राई है, इंस्टेंट बोंबिल फ्राई है। अगर आपके पास कुछ सब्जी ना हो, कुछ नहीं समझ में आ रहा है क्या बनाए, तो अगर बोंबिल आप रखते हो तो इस तरह से बोंबिल फ्राई बना लो, रोटी के साथ, दाल राइस के साथ बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ग्रीन मसाले की रेसिपी हमने हमारे यूट्यूब के चैनल पे शेयर करी हुई है, इसके लिंक हम हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे, आप देख सकते हो। तो इसे मैं अच्छे से 3 से 4 पानी में मसल मसल के वॉश कर लूंगी। तो आप देख सकते हो पानी इसका कितना गंदा हुआ है। तो ये बहुत अच्छे से वॉश करना जरूरी है, नहीं तो आपका पेट दर्द जरूर होगा अगर आप इसे अच्छे से धोगे नहीं। तो इसे 3 से 4 पानी में अच्छे से हम धो लेंगे। तो आप देख सकते हैं वॉश करने के बाद ये कितने वाइट हो गए हैं। अच्छे से सोक करना बहुत जरूरी होता है, एकदम ज्यादा सॉगी नहीं करना है हमें, एकदम ज्यादा नरम नहीं करना है इसको। इस तरह से कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। अब आप चाहो तो इस तरह से बड़े बड़े भी रख सकते हो या फिर इनके 2 भाग कर दो इस तरह से। तो मैं इस तरह से 2 पार्ट्स कर रही हूँ। बाय चांस इस तरह से कभी कुछ रह जाए तो आप इस तरह से निकाल सकते हो। तो मैं सबको कट कर लूंगी 2 पार्ट्स में। तो सूखे बोंबिल में ऑलरेडी सॉल्ट रहता है क्योंकि वो लोग नमक लगा के इसे सुखाते हैं ताकि ये खराब ना हो। फिर भी जब हम धो देते थे इसका जो नमक रहता है वो थोड़ा बहुत निकल जाता है। तो इसे हम ज्यादा नमक नहीं लगाएंगे, बहुत ही कम लगाएंगे। तो अराउंड आप समझ लो ये 1/2 टीस्पून जितना, उससे भी कम, या 1/4 टीस्पून जितना नमक मैं इसे लगा रही हूँ। और इसे 1-2 मिनट के लिए ही लगा के छोड़ेंगे हम, ज़्यादा टाइम नहीं रखना है। आप चाहो, आपके पास टाइम हो तो आप रख सकते हो 10 मिनट, बट ज़रूरत नहीं पड़ती है। और इसी में मैं आप ये जो हमारा ग्रीन मसाला है, ये डिपेंड करता है आपको कितना तीखा पसंद है। हमें बहुत अच्छा लगता है स्पाइसी, इसलिए मैं 1 टेबलस्पून और साथ ही में 1/2 टेबलस्पून जितना मसाला ऐड कर रही हूँ। इसे अच्छे से मसल लेंगे। इसमें सब कुछ मिक्स रहता है, हल्दी पाउडर, जीरा, देन ग्रीन चिलीज स्पाइसी के लिए, हरा धनिया, अदरक, लहसुन एंड स्पेशलिटी ऑयल के साथ इसे आपको पीसना है ताकि इसकी जो शेल्फ लाइफ है वो 1 से 2 महीना इजीली रह जाता है बिना फंगस। आपके फ्रिज में आप स्टोर करके रख सकते हैं। ज़्यादा टाइम के लिए आपको स्टोर करना है तो फ्रीजर में आप क्यूब्स के फॉर्म में इसे शेप कर लो एंड देन स्टोर कर सकते हो आप फ्रीजर में। जब आपको लगे कि आपको 1 पीस चाहिए, 2 पीस चाहिए, उतना आप निकालो क्यूब्स फॉर्म में एंड देन यूटिलाइज कर सकते हो। तो इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे एंड साइड में हम यहाँ पर एक पैन रख दिया है जिसमें ऑयल डाल दिया है फ्राई करने के लिए। तो तेल अच्छा खासा गर्म होना चाहिए और इसे लो फ्लेम में हम पकाएंगे ढककर, और इसका सारा मसाला इस तरह से निकाल लेंगे। और जिस ग्राइंडर में मैंने पीसा था उसमें भी इसका पानी था तो वो भी डाल दिया।
तो लो फ्लेम पे इसे ढककर हम पकाएंगे जब तक आपको जैसी कंसिस्टेंसी चाहिए, जैसे कि हमें इसका कलर भी चेंज हो जाए चलेगा, लेकिन हमें क्रिस्प पसंद है इसलिए हम ज्यादा देर तक पकाते। अगर आपको लगता है कि आपको क्रिस्प नहीं चाहिए, नरम चाहिए, ये जो मसाला जो दिख रहा है वो जब तक सूख नहीं जाता तब तक आपको इसको पकाना है। तो 5 से 7 मिनट के बाद हम चेक कर लेंगे। आप देख सकते हैं इसका टेक्सचर चेंज हो गया है, जो मसाला है वो पूरी तरह से बोंबिल को कोट हो गया है। आप इसी मसाले से बॉम्बे डक फ्रेश बोंबिल भी फ्राई कर सकते हो एंड आपको पता चल जाएगा जब आपको ये टेक्सचर दिख रहा है, आपको ये कलर बोंबिल दिखने लग जाए, दैट मीन्स आपका बोंबिल ऑलमोस्ट डन के स्टेज में है। बट जैसे कि मैंने कहा है ये स्टेज पर भी आप इसे निकाल सकते हो, बट मुझे इसे क्रिस्प बनाना है तो मैं इसे और 5 से 10 मिनट पकाऊंगी। तो आप चाहो तो इसे निकाल सकते हो, लेकिन जैसे कि मैंने कहा क्रिस्प करना है तो अब स्टेज पे जो ढक्कन है वो हम नहीं लगाएंगे, इसके ऊपर लिड नहीं रखना है, इसे खुले में आपको पकाना है ताकि जो ये मॉइस्चर एक्स्ट्रा जो है वो पूरे तरह से सूख कर थोड़ा सा ब्राउनिश आपका बोंबिल हो जाएगा, तब तक आपको पकाना है। तो आप देख सकते हैं बोंबिल का जो ग्रीन कलर था वो ब्राउन कलर में चेंज हो गया है, कन्वर्ट हो गया है एंड हमारे जो बोंबिल है वो अच्छे खासे क्रिस्प हो गए। अगर अभी क्रिस्प आपको नहीं दिख रहे हैं तो अभी ये बहुत गर्म है, तो गर्म में ये थोड़े से नरम दिखते हैं, लेकिन जैसे ही आप इसे रख दोगे थोड़े देर के बाद आप चेक करोगे तो ये क्रिस्प हो जाएंगे। तो मैं गैस की फ्लेम बंद कर रही हूँ और इसे सर्व कर लूंगी। तो इस तरह से मैंने एक प्लेट में बोंबिल निकाल लिया, आप देख सकते हो, अंदाजा लगा सकते हो कि ये क्रिस्प हो गए हैं, तो इसे आप रिलिश कर सकते हो, ऐसे ही आप खा सकते हो। मेरे जैसे इंसान तो इसे उठा उठा के खाने लग जाएंगे, लेकिन अगर आप दाल चावल बना रहे हो तो दाल चावल के साथ इसे साइड डिश के रूप में खा सकते हो, या फिर रोटी के साथ भी आप रिलिश कर सकते हो। आई होप आपको ये हमारी रेसिपी अच्छी लगी होगी, आप भी बनाइए, ट्राई करिए और हमें कमेंट में बताना कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। एंड प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अस।